बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई को लगाम डालने में नाकाम हो गई। दूध और दही की कीमतों में 15 रुपए का इजाफा कर दिया गया। नान भाई एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने का भी इंदिया दे दिया, जिस पर दाल चना 5 से 10 रुपए फी किलो तक महंगी करने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस पर बात करेंगे, इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, नए नोटिफिकेशन के मतन के बारे में बताइए। आज बिल्कुल महंगाई के वार थम ना सके और शहर लाहौर में महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू है। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से नए नरखनामे का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें बाकायदा तौर पर दूध दही की कीमतों में 15 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। दूध 100 रुपये से 115 रुपये, जबकि दही की कीमत 120 रुपये से 135 रुपये फ़ी किलो कर दी गई है। इसी तरह दालों की कीमतों में भी 10 से 20 रुपये का इजाफा किया गया है, होशरुबा इजाफा है, जिसमें 10 रुपये इजाफे के बाद चावल सुपर बासमती 130 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। इसी तरह दाल चना 5 से 10 रुपये तक महंगी कर दी गई है। इसी तरह दाल मसूर 15 रुपये, दाल माश 20 रुपये, दाल मूंग 15 रुपये, चने 10 से 15 रुपये, जबकि बेसन जो है वो 10 रुपये फ़ी किलो महंगा कर दिया गया है। जो अपनी मंडी के ताजरान हैं और इसी के साथ साथ जो जो इसका तो दूध फरोश यूनियन है, उनके साथ मुज़ाकरात के बाद ये कीमतों को जो है उनको बढ़ाया गया और हर माह इनका जायज़ा लिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो कीमतें बढ़ी हैं वो मार्केट रेट के मुताबिक बढ़ाई गई हैं, जिसकी वजह से ये कीमतें बढ़ाने से नरखनामा जो है वो मार्केट रेट के मुताबिक जो है दुकानों पर लगाया जाएगा, और अगर कोई महंगाई करेगा तो उसके साथ आहनी हाथों से भी निपटेंगे। बहरहाल जब डिप्टी कमिश्नर लाहौर की तरफ से बाकायदा तौर पर यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका।